आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये पफ स्टिच क्रोशिया वर्क थाल पोस्ट डिज़ाइन। आप इसे किसी भी साइज़ में बनाइएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा और ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, तो आप किन्हीं भी दो कलर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 mm का नीडल लिया है और 4 ply की मैंने यहाँ पे वुल ली है। आप इसे टेबल मेट के तौर पे बना सकते हैं या फिर आप इसे थाल पोस बना सकते हैं बड़ा सा। ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। हम यहाँ पे बनाएंगे 7 chain। सेवन चेन बना के हम इसमें फर्स्ट चेन में अटैच कर देंगे इस तरीके से, और हमारा एक रिंग बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमें पफ स्टिच बनाने हैं उसमें हमें धागा थोड़ा सा लूज रखना होगा। इसी तरीके से बनेगा हमारा ये। तो एक लूप में हमें फोर टाइम हमें सिंगल क्रोशिया करके धागा निकालना है, लेकिन वो हमें लूज़ रखना है, टाइट नहीं बनाना है, तभी हमारा ये पफ स्टिच बनेगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और अगेन इसी तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे, धागा लूज़ रखेंगे इस तरीके से। एक हो गया है, ये दो बार निकाला, तीन बार, और इसी तरीके से ये हो गया हमारा 4 times, और फिर सभी धागों में से एक बार निकाल देंगे इस तरीके से। हमारे ये पफ स्टिच बनेगा। फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर से इसी तरीके से करेंगे, धागा लूज रखना है, 4 times इसमें से निकालेंगे हम। ये हो गया है 3 बार और एक बार और सभी धागों में से एक बार निकाल देंगे। ये हो गया हमारा 3 times। इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में 8 बार पफ स्टिच बनाने हैं और हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैंने एक चैन ले लिया है और जो हमारा फर्स्ट पफ स्टिच था उसके टॉप में हम इसे स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे, और सिंगल क्रोशिया करके मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया है क्योंकि यहाँ से मैं अब कलर चेंज करूँगी। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, और पीछे से इस तरीके से हम निकाल के जो एक्स्ट्रा धागा है हमें पीछे की तरफ ले लेना है इस तरीके से। कलर चेंज करते हैं हम। आप कोई भी दो रंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन कंट्रास्ट में बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपकी चॉइस है। स्लिप नॉट लगा लिया है, अब इसको अटैच करते हैं। एक चैन के गैप में हम इसे अटैच करेंगे। और धागा हमने लूज़ कर लिया है, और यहाँ भी हमें 4 times पफ स्टिच बनाना है। तीन बार हो गया है, एक बार और निकालेंगे तो ये, और फिर चारों में से एक बार निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा एक बन गया है। इसी गैप में हम एक और बनाएंगे, बीच में एक चैन का गैप रखा है इस तरीके से। यहीं से हमें एक पफ स्टिच और बनाएंगे, 4 बार धागा लेंगे, लूज़ रखना है हमें। ये हो गया 4 times, सभी में से एक बार निकाल देंगे। ये हो गया, एक गैप में हमने 2 बार बनाया है। अब एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट गैप में फिर से 2 पफ स्टिच बनाएंगे हम।
तरीके से चार बार लेंगे और सभी में से एक बार निकाल देंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे और इसी गैप में एक और बनाएंगे। ये हो गया है 4 times, सभी में से एक बार निकाल देंगे और ये देखिए इस तरीके से बनेगा हमारा। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। राउंड कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टिच के टॉप में हम इसे अटैच कर देंगे। 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3rd round स्टार्ट करते हैं। स्लिप स्टिच लेके हम गैप में चले जाएंगे और यहीं से हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 4 बार धागा लेना है और सभी में से एक बार निकाल देना है इस तरीके से। अब यहीं से एक और लेंगे। एक चैन बना लिया है, एक और बनाएंगे यहीं पे। तीन बार और ये देखिए इस तरीके से एक गैप में हमें 2 बार पफ स्टिच बना लिया है। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है हमारा, बहुत ही इजीली बन जाएगा और बना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बड़े साइज़ में बना सकते हैं, अपने टेबल मेट बना सकते हैं या आप इसे डोर मैट भी बना सकते हैं। बची हुई वुल से अगर बना रहे हैं तो आप इसे काना की ड्रेस में भी ये पैटर्न बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। एक चैन बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में फिर से एक बनाएंगे। ये हो गया है, सभी में से एक बार निकाल देंगे और इसी गैप में हम एक और बनाएंगे। इस राउंड में हमें बनाना है, एक गैप में हम 2 बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में हम सिंगल पफ स्टिच बनाएंगे, 3rd गैप में फिर से हम 2 बनाएंगे। इस तरीके से ये चलेगा। 2 1 2 1 का रेशो रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1, इस तरीके से बनेगा ये राउंड। एक चैन का गैप रखना है बीच में। अब यहाँ पे हमारा एक पफ स्टिच बनेगा इस तरीके से, एक लूप में से निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से 2 1 2 1 का रेशो हमने लिया है, पहले 2 फिर 1 फिर 2 और फिर 1, इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम। राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चैन मैंने यहाँ पे ले रखा है। फर्स्ट स्टिच के टॉप में हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं धागा कट कर रही हूँ, कलर चेंज करेंगे दोबारा यहाँ से, एक्स्ट्रा धागा पीछे की तरफ ले लेंगे इस तरीके से। फिर से स्लिप नॉट लगा लेंगे। एक चैन के गैप में अटैच करेंगे। जो 2 पफ स्टिच हम बना रहे हैं वहीं पे अटैच करके और इसी सीरीज को कंटिन्यू करना है। इस तरीके से 4 बार लिया हमने और सभी में से एक बार निकाल देंगे। अब इसी गैप में एक और बनाएंगे। एक चैन का गैप लिया है, एक और पफ स्टिच यहीं पे बनाएंगे। इस तरीके से एक चैन लेंगे, नेक्स्ट गैप में जो हमने पफ स्टिच बनाया है लास्ट उसके टॉप में हम
जो गैप है सिंगल गैप उसमें अटैच करेंगे इस तरीके से, फोर टाइम लिया है, सभी में से एक बार निकाल देंगे और ये इस तरीके से बनेगा। एक चैन लेंगे, नेक्स्ट गैप को इसको छोड़ देंगे और इसी में हम एक और बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने गैप में नहीं बनाया है, जो लास्ट राउंड का पफ स्टिच है उसके ऊपर हमने ये दो बनाए हैं, गैप में नहीं बनाया हमने एक चैन के गैप में। अब जो नेक्स्ट है इसमें हम दो पफ स्टिच बनाएंगे फिर से, इस तरीके से इसी में एक और बनाएंगे, इस तरीके से एक चैन बनाएंगे, गैप को छोड़ देंगे और पफ स्टिच के टॉप में हम दो बार और बनाएंगे। इस तरीके से एक चैन बना के और फिर से हम इसी में एक और बनाएंगे और इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हर एक गैप में हमने दो पफ स्टिच बनाए हैं इस राउंड में। कलर चेंज कर लिया है मैंने यहाँ पे और एक गैप में हमने इसको अटैच किया एक चैन के गैप में और यहीं से आप देखिए ये स्टार्टिंग से जो राउंड है यहाँ पे हमारे दो पफ स्टिच सेम पैटर्न में बन रहे हैं, तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। इसी में हम सेम प्लेस में दो पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, एक चैन बनाएंगे, और इसी गैप में एक और बना देंगे। सभी में से एक बार निकाल देंगे और इस तरीके से ये हमारा दो का पैटर्न स्टार्टिंग से है, तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही रहेगी। अब नेक्स्ट टू के बीच में हमें फिर से टू बनाना है। एक चैन का गैप हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है, बीच में एक चैन का गैप छोड़ दिया है। जो दो पफ स्टिच हमने बनाए थे उन्हीं के बीच में हमें दो और बनाने हैं इस तरीके से। एक चैन का गैप लेंगे और इसी में एक और बनाएंगे, पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। हमें बस ये देखना है कि कहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है, कहाँ पे हमने पफ स्टिच बढ़ाने हैं अपने। अब एक चैन का गैप लेंगे और नेक्स्ट दो के बीच में ही हमें फिर से दो बनाने हैं। जो दो इस राउंड में जो हमने दो पफ स्टिच बनाए हुए हैं पिछले में उन्हीं के बीच में दो दो फिर से बनाने हैं। इस तरीके से हर एक दो पफ स्टिच के बीच में दो और बनाने हैं, एक चैन। देखिए इस तरीके से हर एक दो के बीच में हमने दो बनाए हैं और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है, स्लिप स्टिच लगा के हम एक चैन के गैप में चले जाएंगे इस तरीके से। फिर से हमें इस गैप में बनाने हैं दो पफ स्टिच, चार धागों में से एक बार हम निकाल देंगे। अगर आप अपना जो ये पफ स्टिच और हैवी करना चाहते हैं तो पांच बार निकाल सकते हैं, छह बार भी निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कितना मोटा आप अपने इसे बनाना चाहते हैं। इस तरीके से
अब एक चैन लेंगे और ये जो हमारा गैप है इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। चारों में से एक बार निकाल देंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से इस गैप में बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और इसी गैप में हमें एक और बनाना है। और नेक्स्ट गैप में सिंगल बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें बनाना है दो एक का दो एक का रेशो रखना है। दो के बीच में दो बनाएंगे और गैप में एक बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बनेगा। राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। दो के बीच में फिर से हमें दो बनाने हैं ये राउंड स्टार्टिंग से, और एंड तक हमारा ऐसे ही चलेगा। ये जो स्टार्टिंग का हमारा पैटर्न रहेगा, बीच में इनके बीच में फिर से दो बनेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट गैप में एक बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट एक चैन के गैप में फिर एक बनाएंगे। इस राउंड में हमारा दो एक और एक का रेशो रहेगा। फर्स्ट गैप में दो, नेक्स्ट में एक, उससे नेक्स्ट में एक और फिर दो बनाएंगे इस तरीके से। ये दो रहेंगे, हमने यहाँ पे दो बनाए हैं। नेक्स्ट गैप में फिर से दो बनाएंगे, इस तरीके से। पहले में दो, फिर एक और फिर दो, इस तरीके से ये राउंड बनेगा। एक चैन का गैप रहेगा इस तरीके से। ये देखिए पहले दो, फिर एक और फिर दो। राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे मेरा। धागा मैं कट कर रही हूँ, फिर से कलर चेंज कर देंगे यहाँ पे। एक्स्ट्रा धागे को पीछे की तरफ ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है हमारा। स्लिप नॉट लगा लिया है, एक चैन के गैप में अटैच कर देंगे। इस तरीके से चार बार धागा लेंगे हम एक लूप में और इस तरीके से बन गया है हमारा। एक चैन लेंगे, नेक्स्ट गैप में एक और बनाएंगे, चारों में से एक बार निकाल देंगे। इस राउंड में हमें बनाना है कि हर एक एक चैन के गैप में हमें एक पफ स्टिच बनाना है। इस राउंड में दो नहीं बनाने हैं हमें किसी भी गैप में। सिंगल चैन गैप में सिंगल पफ स्टिच ही बनेगा। हर एक गैप में एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट गैप में
फिर से एक बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें आने वाले 3 राउंड हमें ऐसे ही बनाने हैं, कोई चेंज नहीं है। हर एक गैप में एक, यहाँ से मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट राउंड भी सेम है और उससे भी नेक्स्ट, 3 राउंड मैंने बिल्कुल सेम बनाए हैं, कोई चेंज नहीं है। हर एक गैप में एक सिंगल पफ स्टिच बनाया है। यहाँ से हम अब पैटर्न चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच लेके गैप में चले गए हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनाएंगे, एक हो गया है, एक चैन का गैप लेंगे और इसी में एक और बनाएंगे इस तरीके से। देखिए एक चैन का गैप, नेक्स्ट गैप में सिंगल पफ स्टिच बनाएंगे, एक बनाएंगे चारों में से एक बार निकाल देंगे। नेक्स्ट गैप में हमें फिर से 2 पफ स्टिच बनाने हैं, एक चैन का गैप रखना है बीच में इस तरीके से। नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और बनाएंगे नेक्स्ट गैप में, एक बनाएंगे, एक चैन का गैप रखेंगे बीच में। 2-1-2-1 का रेशो हमें यहाँ रखना है, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1, थर्ड में फिर से 2 और इससे आगे, इस तरीके का हमें पैटर्न बनाना है। 2-1-2-1 इस तरीके से। राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। फिर से मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है। स्लिप नॉट लगा लिया है, एक चैन के गैप में अटैच करेंगे। इस तरीके से फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे पफ स्टिच, 4 धागों में से एक बार निकाल देंगे, एक चैन का गैप लेंगे। नेक्स्ट गैप में 2 के बीच में हम 1 बनाएंगे, इस तरीके से फिर से एक चैन बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में 1 बनाएंगे। इस राउंड में हमें हर एक गैप में एक सिंगल पफ स्टिच बनाना है, हर एक गैप में 1 बनाना है। फिर से नेक्स्ट गैप में बनाएंगे 1, इस तरीके से। तो हमें इस राउंड में हर एक गैप में 1 सिंगल पफ स्टिच बनाना है, कहीं पे भी 2 नहीं बनाने हैं। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। तो राउंड कंप्लीट हो गया है और साइज भी मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, इससे बड़ा मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। इससे अगले राउंड में हमारा बनेगा 2 और 1, 2-1 का रेशो रहेगा और नेक्स्ट राउंड में फिर से हमें हर एक गैप में 1-1 बनाना है। तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा बनाना है यही पैटर्न फॉलो कीजिएगा।
तो मैंने इसका साइज़ यहाँ तक बनाना है, काफ़ी बड़ा हो गया है मेरे लिए ये। तो यहाँ से अब एक मेरा फाइनल राउंड बनेगा। कलर चेंज कर लिया है, स्लिप नॉट लगा दिया है मैंने यहाँ पे, और एक चैन के गैप में मैंने इसको अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चैन, तीन चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, और एक गैप को छोड़ के थर्ड में हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से, और फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक गैप में हमें टोटल 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 8 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा 4 बार, 4 बार और बना लेंगे इस तरीके से। सिक्स टाइम हो गया है, 2 बार और बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए नए डिज़ाइन मैं अपलोड करने वाली हूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा डिज़ाइन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब फिर से हम बनाएंगे 3 चैन, एक गैप को छोड़ के नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर से बनाएंगे 3 चैन, एक गैप छोड़ के नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एट टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया है हमारा, 8 बार हो गया है। अब 3 चैन बनाएंगे, एक गैप को छोड़ के नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। फिर से 3 चैन बनाएंगे, एक गैप छोड़ के नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनेगा। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। अब हम इसमें फाइनल टच देंगे। यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किया है और फर्स्ट जो गैप है उसमें से हमें सिंगल क्रोशिया करके 3 चैन बनानी है इस तरीके से, और यहाँ से हमें 2 धागों में से इस तरीके से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए, ये हमारी पिकोट बन गई है। अब नेक्स्ट गैप में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, 3 चैन बनाएंगे, 2 धागों में से यहाँ से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे,
तीन चैन बनाएंगे, दो धागों में से इस तरीके से निकाल देंगे और इस तरीके से हमारी ये पिकॉट बनते चले जाएंगे। सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चैन, फर्स्ट चैन के दो धागों में से हम निकाल देंगे और इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। इस फाइनल राउंड में जो डिज़ाइन बनेगा उसे आप मोर पंख डिज़ाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि मोर के पंख के जैसे इसमें पीछे डिज़ाइन बनेगा। दो में से निकाल देंगे, तीन चैन लेके दो धागों में से निकाल देंगे। तीन चैन और दो धागों में से निकाल देंगे और इस तरीके से हमारा ये पिकॉट वाला डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब जो हमने यहाँ पे तीन चैन का गैप है उसमें तीन बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक, ये हो गया दो और तीन, सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब जहाँ से हमने ये जॉइंट किया है इसके आगे भी हम तीन चैन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, और फर्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चैन बनाएंगे, दो धागों में से निकाल के पिकॉट बनाएंगे इस तरीके से, नेक्स्ट गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न बनेगा। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगेगा बना हुआ, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा बनाया हुआ ये क्रोशिया डिज़ाइन, थालपोस डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तीन चैन के गैप में तीन सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरीके से जॉइंट से आगे भी हम तीन सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे तैयार कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका ये डिज़ाइन कैसा बना है। थैंक यू।